खासकर भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं कोरोना में, वो अपने आप में कई तरह के सवाल उठाता है। बयानों से काम नहीं होना चाहिए, इसे सतह पर भी उतरना चाहिए। भ्रम की स्थिति अगर है तो इसकी वजह भी सरकार या सरकार में बैठे हुए अफसरान हैं कि ये भ्रम की स्थिति पैदा क्यों हुई। तीन मांगे हैं TET शिक्षक अभ्यर्थियों की कि काउंसिलिंग हो, काउंसिलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिलो और किसी भी स्कूल में वो योगदान करने के लिए उन्हें इजाजत दी। मुझे लगता है कि ये मांग बहुत अनुचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं वसीम खान। लगातार विपक्षी खेमा सवाल उठा रहा है राज्य सरकार पर। एक बार फिर से एक बड़ा सवाल उठाया गया है, कोरोना टेस्टिंग के दौरान घोटाले हुए हैं ऐसा हम नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दल ये कहते दिखाई दे रहे हैं, और ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए। हमारे साथ रालोसपा के नेता मुख्य प्रवक्ता फजल इमाम मलिक जी हैं। सर, कोरोना टेस्टिंग के दौरान घोटाला हुआ है, आंकड़े में छेड़खानी की गई है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार पर, रालोसपा कैसे देखती है? नहीं, सिर्फ देखिए बिहार में ही नहीं, पूरे देश की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर जितनी गड़बड़ियां हुई और केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है, एक बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर सवाल है सरकार को, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने जिस बात का उल्लेख किया, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और दूसरे खासकर भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई हैं कोरोना में, वो अपने आप में कई तरह के सवाल उठाता है। किट का घोटाला हुआ, या जो मशीनें खरीदी गई उसमें घोटाला हुआ, और अब ये जो जाँच की नहीं कि जाँच में जिस तरह के घोटाले सामने आए, सबसे वो बहुत गंभीर विषय है और सरकार को अब इस पे सामने आके इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो इसमें शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम अहम मुद्दे लेकर आप लोग लगातार आपकी पार्टी बढ़ती रही। अब जब इस तरीके का मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है, रालोसपा का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, रालोसपा लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले पर हम लगातार ये कहते आ रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने अभी 2-3 दिन पहले भी ये बात कही कि बिहार की सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गंभीरता से काम करना है। ये काम अभी तक हुआ नहीं है बिहार में, तो जाहिर है कि कोरोना की जो गड़बड़ी हुई, अस्पतालों का हमने हाल देखा था उस दौर में भी, या फिर चमकी बुखार को लेके हुआ, हमने हमारे अध्यक्ष ने तब चमकी बुखार के बाद मुजफ्फरपुर से पटना मार्च भी किया था, तो हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं और हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारे अध्यक्ष चाहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि बुनियादी चीज़ें हैं, लोगों को अगर आप पानी, पीने का पानी ठीक मुहैया नहीं करा सके, साफ अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सके, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, मुझे लगता है कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर सरकार, हर सरकार को ध्यान देना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी। लेकिन बदकिस्मती से राज्य सरकार हो हमारी, उन्होंने अभी इन दो सेक्टरों में बहुत ख़राब काम किया है। तो कोरोना टेस्टिंग के जो घोटाले के जो मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या उसको लेकर के रालोसपा जो है वो आगे बढ़ेगी? नहीं, अभी तो हम इसको देखेंगे कि क्या है, लेकिन घोटाले की बात अगर सामने आई तो जाहिर है कि इस सरकार के सामने सवाल है, चुनौती है उनके सामने भी, और हम इस पर सवाल भी हम कर ही रहे हैं आपके माध्यम से भी कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें शामिल हो, क्योंकि ये आदमी के जीवन से खिलवाड़ करती हुई बातें, ये आदमी के जीवन से खिलवाड़ करने के साजिश अगर जिन लोगों ने भी रची है, जिन लोगों ने भी गड़बड़ियाँ की है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की है, बिहार के सरकार की है, स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी है कि इसको, हालांकि सरकार ने कहा है कि इस गड़बड़ियों की जांच करेंगे, लेकिन जांच सिर्फ हमको लगता है कि बयानों से काम नहीं होना चाहिए, इसे सतह पर भी उतरना चाहिए। एक आखिरी सवाल, दरोगा अभ्यर्थी और बिहार पुलिस एग्जामिनेशन को लेकर अब छात्र जो हैं सड़कों पर उतरने लगे हैं, उनका कहना है कि धांधली हो रही है दरोगा परीक्षा में भी और बिहार पुलिस की जितनी भी परीक्षाएँ ले जा रही है उसमें धांधली हो रही है, CBI जाँच होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षकों की, तो लगातार वो धरने पर भी बैठ रहे हैं और बीते कुछ दिनों से वो नाराज भी चल रहे हैं कि अब तक बहाली नहीं हो पाई, कैसे देखें? हाँ, नहीं देखिए, 2-3 चाहे वो दरोगा अभ्यर्थियों की बात हो, भ्रम की स्थिति अगर है तो इसकी वजह भी सरकार या सरकार में बैठे हुए अफसरान हैं कि ये भ्रम की स्थिति पैदा क्यों हुई। अगर हमने एग्ज़ाम दिया, हमने परीक्षा दी
और हम उससे संतुष्ट नहीं उस नतीजे से, तो सरकार को सारी चीज़ों की सच्चाई सामने रखनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक जो TET अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं, वो 94,000 बहाली होनी है। अच्छी बात यह है कि अभी जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें की हैं, तो एक अच्छा संकेत है। लेकिन पिछले जनवरी में 31 जनवरी तक काउंसिलिंग की TET अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग की तारीख की बात की थी सरकार ने, लेकिन अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ 3 मांगे हैं TET शिक्षक अभ्यर्थियों की, कि काउंसिलिंग हो, काउंसिलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिले और किसी भी स्कूल में वो योगदान करने के लिए उन्हें इजाज़त दी जाए। और तीसरी चीज़ कि योगदान के बाद उनके प्रमाण पत्र की गहनता से जांच हो और उसके बाद उन्हें वेतन दिया जाए। मुझे लगता है कि ये मांग बहुत अनुचित नहीं है TET शिक्षक अभ्यर्थियों की भी, क्योंकि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके लिए पूरे सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराना या सारे योग्य लोगों को जिम्मेदार ठहराना मेरा मानना है उचित नहीं है, या पार्टी का भी मानना है कि उचित नहीं है। वो योग्य हैं, 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। दिलचस्प ये है कि रिटायर शिक्षकों को लेकर सरकार सोच रही है कि उन रिटायर शिक्षकों की बहाली की जाए, लेकिन इन जो युवा हैं उनके लिए नहीं सोच रही। मुझे लगता है कि इन युवाओं के लिए भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, संवेदनशीलता अपनानी चाहिए इनके लिए भी, उन दरोगा अभ्यर्थियों के लिए भी जिन्हें सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया। ये एक अच्छी नज़ीर नहीं है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है, उनकी मांग है कि उस गड़बड़ी जो हुई उसको सामने लाया जाए। तो जब गड़बड़ी हुई है तो दरोगा अभ्यर्थियों को आप इनको आज पिटाई कर लो, अगर मान लिया कि इनमें से चयन करके कुछ जाएंगे तो भी वो भी उसी सिस्टम का फिर हिस्सा बन जाएंगे, वो भी उसी तरह का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो पुलिस जिन्हें मार रही है वो कल के पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वालों को भी अपने भावी पुलिस वालों के खिलाफ थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, और सरकार को भी। और अगर CBI की जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि उन लड़कों का जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल हुए जो जिन नतीजों से संतुष्ट नहीं है, उस ऐसी कोई व्यवस्था बने ताकि वो उससे संतुष्ट हो सके कि ये हमने बनाई है, जांच हो रही है। अब एक फरमान जारी कर दिया कि कोई अगर भ्रम फैलाएगा दरोगा अभ्यर्थी या इस तरह सोशल मीडिया पे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप भ्रम की स्थिति पैदा क्यों होती है, सरकार से बड़ा सवाल है। युवाओं के प्रति भी सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा रालोसपा के नेता कहते नजर आ रहे हैं। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।